माँ अभी तक सोई नहीं है आप? क्या इस बात के इंतजार में मैं सो सकती हूँ? मेरी बेटी ने मुझे बताना है। सॉरी माँ, मैं भूल गई थी। खुशियाँ जब बहुत कुछ भुलाने लगे तो बहुत सारे रिश्ते भी इग्नोर हो जाते हैं। माई थॉट यू वर स्लीपिंग, सोचा सुबह बात कर लूंगी। तुम बहुत इनोसेंट हो, प्लीज किसी की बातों में मत आना। आपको सच में लगता है कि मैं किसी की बातों में आऊंगी? गौर से बात हुई थी मेरी, आई सी। तो फिर उसने आपको सब कुछ बता दिया होगा। बेटा जिस इंसान से जान पहचान हुए चंद ही दिन हुए हो उससे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ठीक नहीं है। माँ ये आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपकी गौहर से बात हुई है, एंड आई एम श्योर उसने तो आपसे ये भी कहा होगा कि मोमिन मेरे लायक ही नहीं है, है ना? गौहर लव्स यू, वो कभी कोई गलत बात नहीं करेगा तुम्हारे लिए। गौहर की तो क्या, मैं मोमिन की मोहब्बत के लिए दुनिया की कोई भी मोहब्बत ठुकराने के लिए तैयार हूं। प्लीज माँ आप गौहर को समझाएं, अगर वो मुझसे प्यार करता है इट्स नॉट माई फॉल्ट। मैंने हमेशा उसे एक अच्छे दोस्त की तरह चाहा है, एंड आई नो आप मोमिन से एक बार भी मिलेंगी ना तो आप खुद बोलेंगी ही इज द राइट चॉइस फॉर मी। प्लीज इट्स टू अर्ली टू डिसाइड दिस। नो माँ इट्स नॉट। जब मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलने लगे देन दैट इज द राइट टाइम टू मेक द डिसीजन।